बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिबिल्डिंग द वर्ल्ड इकॉनमी पोस्ट वॉर एरा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे भी हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर ग्रेट डिप्रेशन की वजह से कितने लोग मरे, कितनी प्रॉब्लम्स हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई, वहाँ पे इकोनॉमिक डिवास्टेशन हुई। ग्रेट डिप्रेशन में तमाम मुल्कों की जीडीपी जो है वो कम हो गई, पॉवर्टी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ट्रेड जो है अक्रॉस द बॉर्डर्स जो है वो डिसरप्ट हो गया। तो उसकी वजह से है पूरी इकोनॉमी में जो है एक बहरान बन गया। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से फिर इसको इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई, इसको फिर से जो है अपनी पटरी पर लाने की कोशिश की गई। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि वहां पे जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था और उसमें भी जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, इकोनॉमी डिस्ट्रक्शन हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमी में, और मास डिस्ट्रक्शन हुई थी और बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो इसमें जो हम देखते हैं इट हैपेंड आफ्टर द टू डिकेड्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड के वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 20 साल के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो एज वी नो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गॉट एंडेड इन 1918, इट वाज स्टार्ट इन 1914 जो है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, 1939 से, और चलता रहा 6 साल तक, ये लगातार चलता रहा, एंड इट गॉट एंडेड 1945 जब एज वी नो कब खत्म हुआ था, व्हेन द यूएस ड्रॉप्ड द टू एटॉमिक बम्स ऑन 9th and 6th October ऑफ 1945 ऑन द टू फेमस सिटीज ऑफ द जापान, दैट इज हिरोशिमा एंड नागासाकी। सो एज वी नो दैट, तो 6 साल तक लगातार चलता रहा। एज यू नो दैट द वर्ल्ड वॉर दैट हैज बीन लास्टेड फॉर मोर देन 5 years or 6 years, what would have been the destruction, devastation of all this wars. So as we know, the second world war, the actually the just like the previous first world war, there were the fight was between the two powers that were known as the central powers and allies. That in the same way here was also the two powers who were fighting to each other. Ek ka naam kya tha, axis power, dusre ka naam tha allies. तो एक्सिस में हम देखते हैं कि जो है इसमें नाजी था, नाजी जर्मनी था, यानी कि नाजी जर्मनी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वहां उस वक्त था जो था वो नाजी का रूल था जर्मनी में। तो इसी का जापान भी था इसमें, इटली भी था इसमें, तो ये लड़ रहे थे एक्सिस की पावर के तौर पर। तो एलाइज में हम देखते हैं जस्ट लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वहां पे भी जो एलाइज में थे वही यहीं पर, यहां पर भी थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस, तो ये एलाइज जो है लड़ रहे थे। तो एज वी नो, लेकिन हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखते हैं कि वहां पे सेंट्रल पावर्स में कौन कौन लड़ रहा था एक्सिस के बदले, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन तुर्की जो है वहां पे लड़ रहे थे। So these were the two powers who were fighting the Second World War, just like the First World War. लेकिन Second World War, as तो जैसा आप सोच सकते हैं, आप common sense लगा सकते हैं, it was fought after the two decades of the First World War. तो यहाँ पर फिर हमने देखा कि किस तरह से industries थोड़ी बहुत revive हो गई और लोगों ने वो जो है जंग के तरबियत भी देख ली, नई नई से हो गई थी और लोगों ने उस वक्त थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। तो जितनी गलतियां जो पहले में हुई थी, यानी कि उसको सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये ब्रोक आउट हुआ तो ये तो उससे ज्यादा डिवास्टेड होना ही था, क्योंकि यहां तक जो आते आते जो है बहुत सारे वेपन्स बनाए गए थे, बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स बनाए गए थे, आर्टिलरी बनाई गई थी, आयर एंड एवरीथिंग दैट वॉज पॉसिबल टू फाइट फॉर देयर ओन एनिमीज, अगेंस्ट देयर ओन एनिमीज, वो सारे वेपन जो है जमा किए गए थे यहाँ तक आते आते। तो एज वी नो दैट इन दिस वर्ल्ड वॉर यह हर एक जगह पे लड़ा गया था, यह समुद्र में भी लड़ा गया, ये आयर में भी लड़ा गया, ये लैंड में भी लड़ा गया। तो इट वॉज फॉट इन एवरी पॉसिबल वे, एंड इट वॉज जस्ट लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट वॉज फॉट इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, देयर वॉज नो एनी प्लेस विच वॉज लेफ्ट दैट हैज नॉट बीन टच्ड बाय द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो इसमें जो है इसमें भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, मास डिस्ट्रक्शन हुई, एज वी नो देयर वॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन, 60 million पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, 60 million, एज वी नो 1 million इज इक्वल टू 10 lakh, 1 million जो है वो 10 lakh के बराबर होता है, एंड 60 million इज इक्वल टू 6 crore पीपल, इट मीन 6 crore पीपल डाइड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। बट एंड after out of this 60 million people, it is said that 25 million people died on in Soviet Union, and the 6 million people were the Jews who were killed in the Germany by the Hitler, and the night that has been the night in the intervening night that in which the Jews were killed, 6 million Jews were killed, the night is also known as the night of the broken gila, that's also known as the November pogrom, us event ko us jo hai
उस मूवमेंट को जो है नवंबर प्रोग्राम भी कहा जाता है क्योंकि वो नवंबर में ही हुआ था। तो आप देख सकते हैं 25 मिलियन, फिर 6 मिलियन, और उस एबोआल और उसके दूसरे साइड में हम देखते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो है एटम बम्स भी गिराए गए थे, वहां पे कितने लोग मरे, तो ऑलमोस्ट जो है ये 60 मिलियन तो बनता ही है, 60 मिलियन पीपल जो है वहां पे मारे गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड द डिवास्टेशन, यू कैन अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द वेपन्स दैट हैज बीन यूज्ड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो इसी तरह हम देखते हैं कि इट्स आल्सो नोन, आपके टेक्स्ट बुक में ही है ये सब लिखा हुआ है, दैट इज 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट एग्जिस्टेड इन 1939, 3% ऑफ दैट पॉपुलेशन वाज गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। एज कंपेयर्ड, अगर हम इसको कंपेयर करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, जैसे मैं आपको मैंने आपको पढ़ाया है वहां से, हमने देखा कि वहां पे 9 मिलियन पीपल वाज किल्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड 20 मिलियन पीपल जो है वहां पे इंजर्ड हो गए थे। तो यहां पे कितना हुआ था, 60 मिलियन वाज किल्ड, 60 मिलियन वायर किलर, एंड द मिलियन दैट कैन नॉट बी काउंटेड हैज बीन इंजर्ड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, इसी तरह इसमें कुछ डिफरेंसेस भी थी, लेकिन इसमें एक खास डिफरेंस ये थी कि अनलाइक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है द मोस्ट पीपल दैट वायर गॉट किल्ड वायर आउटसाइड ऑफ द बैटल फील्ड, वो बैटल फील्ड में नहीं मरे। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देखा कि ज्यादातर फौजी मरे थे, 9 मिलियन पीपल में ज्यादा फौजी थे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा सिविलियंस मरे। क्यों मरे थे, एज यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने आपको पहले ही बताया, नए नए आर्टिलरी, एयर बम्स, बम्बार्डमेंट वगैरह, एवरीथिंग दैट हैज बीन यूज इन दिस, तो वो ऐसी जगह पे अक्सर गिरते थे जहाँ पे सिविलियन हुआ करते थे और फौजी तो कम थे। तो अगर वो अगर उनको किसी एक जगह गिराना होता था, लेकिन उस बम का उसका असर इतना ज्यादा होता, वो किलोमीटर दूर फैलता था, तो उसमें ऑटोमेटिकली सिविलियन आ ही जाते थे। तो इट मींस द मोस्ट ऑफ द पीपल दैट गॉट किल्ड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज सिविलियन एंड दे वर आउट ऑफ द फील्ड, दे वर आउट ऑफ द बैटल फील्ड। ठीक है ना, तो उसमें भी जो ज्यादा सिविलियन थे वो ज्यादा यूरोप में मरे और एशिया में मरे, एशिया में एज यू नो जापान भी आता है, तो उसकी वजह से वहां पे ज्यादा मर गए। लेकिन एट द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर जब ये खत्म होने लगा, तो टू थिंग्स दैट शेप्ड द वर्ल्ड, दो चीजें वर्ल्ड में हो गई ये खत्म होने तक। एक तो ये हुआ कि US emerged as the dominant economic, political and military power of the world, तो है इस उस वक्त जो है US जो है इमर्ज हो गया एज ए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री एट दैट टाइम, जो कि इस वक्त भी है। हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो पावर्स इमर्ज हो गए, दैट एंड द कोल्ड वॉर रिमेन्स टू 1991 जो हम देखते हैं। लेकिन यहाँ US उस वक्त भी माना गया कि एक पावरफुल कंट्री के तौर पर उभर आया, तो नतीजा ये हुआ कि आज भी ये दबदबा मौजूद है, आज भी हम देखते हैं कि USA की हेजेमनी बरकरार है। तो इस वक्त भी पूरी दुनिया में जो है USA को पावरफुल कंट्री माना जाता है, न कि सिर्फ इकोनॉमिकली लिहाज बल्कि मिलिट्री लिहाज से भी इसको जो है बहुत पावरफुल कंट्री माना जाता है। तो इसकी शुरुआत एक्चुअली एट द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे दो बम गिराए थे, तो उस वक्त जो है उनके पास बम्स थे। तो इसी तरह जो है दूसरा इवेंट ये हुआ था, दूसरी चीज ये हुई थी कि साउथ यूनियन इमर्जेड एज द पावरफुल, इसी तरह साउथ यूनियन भी है जो है एक पावरफुल इकॉनमी, पावरफुल कंट्री के तौर पर उभर आई उस वक्त। क्यों, क्योंकि उसने सिंगल हैंडली अपनी बलबूते पर उसने जर्मनी को डिफीट किया था, फिर हिटलर को किल किया था, बाकी चीजें, और एबोआल। इसके अलावा उसमें ये एक चीज ये भी हो गई कि जिस तरह से साउथ यूनियन ने ग्रेट डिप्रेशन को ओवरकम किया, उसने अपनी इकॉनमी को बचाया, उसने उस वक्त जो है अपनी इकॉनमी को आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव किया, अपनी इंडस्ट्रीज को रिवाइव किया, अपनी जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम की, ग्रोथ बढ़ाई, अपने इकॉनमी को फ्लोरिश थोड़ा बहुत किया। तो उसकी वजह से भी जो है साउथ यूनियन में जो है उसकी वजह जो है साउथ यूनियन भी एक नेशन के तौर, एक पावरफुल कंट्री के, एक पावरफुल ओपोनेंट के तौर पर जो है उभरा है। तो इस इंशाल्लाह रहमान आज का हमने टॉपिक कंप्लीट किया है, आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसके आने वाले जो है वो टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।